वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिसका नाम है जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर का प्राइस है 8.55 रुपये और आप देखो इसके डे की जो क्लोजिंग है वो 4.9% हाई में इसने दी है अपनी। एक बार BSE में चेक कर लेते हैं। इस शेयर का जो लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस था वो 8.20 रुपये। ये सब कुछ आ गया यहाँ पर, ओपन हाई लो और एवरेज प्राइस। अब जो इसका 52 वीक हाई है वो आपके सामने करीब 15.90 रुपये, लो है 2.71 रुपये। अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है इसने लास्ट 52 वीक के अंदर। अब जो इसके कितने शेयर ट्रेड हुए थे तो लास्ट डे जो इसका ट्रेडिंग शेयर था वो करीब 13,48,000 है, जिनकी वैल्यू 1,14,00,000 है। मार्केट कैप इसका करीब 2,109 करोड़ है, काफ़ी ज़्यादा है। अर्निंग पर शेयर माइनस में है, कैश अर्निंग पर शेयर ये 0.71 है, पी माइनस में है इनकी 9.94, पी भी इनका है 0.28, रिटर्न ऑफ इक्विटी -2.78। अब जो ग्रुप है इनका वो टी ग्रुप की कंपनी है और मेन काम है कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग का काम है, मतलब इनका इंफ्रा काम है। अब बात करते हैं इसके फोरकास्ट के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर बात करते हैं। फोरकास्ट पे देखो किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद नहीं थी। अब फाइनेंस देखते हैं 2018, 2019, 2020 और 2021। 2018 में टोटल रिवेन्यू था इनका 9,065 करोड़, जो बढ़ के 2019 में 9,352 करोड़ हो गया। 2020 में भी इनका रिवेन्यू बढ़ा था और 2021 में भी। अगर आप देखो मार्केट शेयर इनका करीब 38.9% बढ़ा है, तो काफ़ी अच्छा है। नेट इनकम देखोगे आप, 2018 में लॉस में थी, 2019 में लॉस में थी करीब, लॉस भी 2,000 करोड़ का, और 2020 में कंपनी प्रॉफिट में आई है, पर 2021 में लॉस हुआ, हम कह सकते हैं कोरोना इफेक्ट है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। अब यहाँ पर देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग। अब इसमें है ना प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 38.2% होल्डिंग है, उसमें से है ना प्रमोटर ने रिसेंटली अपनी होल्डिंग कम करी है। अब म्यूचुअल फंड देखते हैं एक बार, म्यूचुअल फंड की स्टेबल होल्डिंग, पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बहुत कम है। DI भी अपना पैसा इसमें निकाल रहा है, FI इसमें से लगभग पैसा निकाल चुका है, बाकी सारी होल्डिंग घूम फिर के रिटेल के पास आई है। अब एक बार इसके लेवल देख लेते हैं। अभी का लेवल है 8.55 रुपये और इसका जो अगर कोई इसे ट्रेड करना चाहता है तो 7.80 रुपये के साथ इसे ट्रेड करे, 7.80 रुपये के साथ इसे ट्रेड करे। और जो हमारा एक टारगेट अभी के लिए है वो 10+ रुपये का टारगेट है। और जो इसका ट्रेडिंग पैटर्न था, जब भी शेयर में ऐसा पैटर्न आता है तो ये होता है कि आने वाले 2 या 3 दिनों तक ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है, तो ये आराम से 10 रुपये या 12 रुपये के टारगेट तक जा सकता है। पर अगर कोई बाय करेगा तो 10 रुपये अभी के लिए 10 रुपये टारगेट के आप इसे बाय कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज।